अब शेर खान भेड़ियों से कहता है कि कब तक उस बच्चे की रक्षा करोगे, और जिस दिन मौका मिल गया उसी दिन मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। और शेर खान यहाँ से चला जाता है। अब भेड़ियों का सरदार कहता है कि हम लोग मरते दम तक इस बच्चे की रक्षा करेंगे, ये अब से हमारे परिवार का हिस्सा है। और इस बच्चे का नाम मोगली रखा जाता है। अब कुछ साल बाद दिखाया जाता है इस सुंदर जंगल को, और उसी जंगल में बघीरा उस बच्चे को अपनी पीठ पर लेकर भाग रहा था। वो बच्चा अब बड़ा हो चुका था। अभी तक इनकी जिंदगी में कोई भी परेशानी या दिक्कत नहीं आई थी। बघीरा मोगली को शिकार करना सिखाता है। बघीरा लपक कर हिरण को मार देता है और मोगली को बताता है कि ये हमारा भोजन है और इन सभी को हमारे भोजन के लिए ही बनाया गया है, जिससे हमारा पेट भरता है। और तभी वहाँ पर भालू आता है। मोगली इस जंगल में बहुत खुश था। इस जंगल में इसे सभी जानवरों का प्यार मिल रहा था। वो यहाँ के जानवरों के साथ खेल रहा था, बिल्कुल जानवर की तरह भाग रहा था। अब भालू भेड़ियों के साथ मोगली की रेस लगवाता है। सभी भेड़ियों और मोगली एक साथ भागते हैं, लेकिन उस रेस में मोगली हार जाता है। तभी आगे चलकर भालू और मोगली को एक गाय मिलती है। उस गाय को शेर खान ने मार दिया था। अब भालू इस मोगली को यहाँ से फटाफट चलने के लिए कहता है। शेर खान इन सभी को डरा रहा था। अब सभी भेड़िए रात के समय मीटिंग बनाते हैं।